अविनाश और चाहत के बीच में बवाल हुआ है। दरअसल अविनाश और चाहत के बीच ये लड़ाई तब हुई जब चाहत ने बाल्टी भर के पानी जेल के अंदर सामान पर डाल दिया। अविनाश लगातार लोगों को राशन देने से मना कर रहा है, उसके पास पावर है, जेल के अंदर है और जिस तरीके से उसको एलिमिनेट किया गया था उससे वो नाराज है, लेकिन चाहत के साथ उसकी बन रही थी। पर कल जब बिग बॉस ने कौन लाडला है ये बात पूछी और चाहत ने अविनाश का साथ नहीं दिया, ये बात अविनाश को बहुत बुरी लगी और यहाँ एक बार फिर से चाहत को उसने राशन देने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ क्या वाकई में अविनाश और चाहत के बीच में कुछ ऑनसेट था? क्या वाकई में चाहत अविनाश को पसंद करती थी या कुछ ऐसा एंगल था? तो खैर, जब उसने पानी डाला तो यहाँ अविनाश ने कहा कि तुमने कर दी ना गवार वाली हरकत। तो चाहत ने कहा, गवार वाली मतलब मैं गाँव से आती हूँ इसलिए तुमने मुझे गवार कहा? तो उसने बोला कि गवार का मतलब पता नहीं उसने क्या शब्द बोला, जहाँ पनाया पता नहीं क्या बोला उसने। तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो अविनाश ने बोला, दिल्ली दिल्ली मुझसे प्यार करती है ना? तो उसने बोला कि थूकूंगी मैं तुझ पर और तेरे जैसी शक्ल पर, तुझसे प्यार करे मेरी जूती। तो ये अविनाश वर्सेस चाहत जो है आज के शो में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर अब चाहत निकल कर सामने आ रही है। पहले वीक उसे बहुत बुली किया गया, उसने बहुत कुछ जो है इस घर में लोगों की बातें सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसने इस बात का मन बना लिया है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। और इसीलिए एक जो है जो चाहत अब हमें प्रोमो में देखने को मिल रही है, जहां पर ना सिर्फ उसने राशन में पानी फेंका, मुझे लगता है कि इसने गवार पहले बोला अविनाश ने और उसी गवार के रिएक्शन में अविनाश चाहत ने ये पानी फेंका है, क्योंकि उसने गवार जब इसने उसको लाडले के लिए वोट नहीं किया इस बात से चिढ़कर जो है उसने ये गवार बोला और खाना देने से मना किया। तो यहाँ पर चाहत चुप तो बैठेगी नहीं, तो उसने बोला ले मुझे गवार बोलेगा अब कर इस राशन का तू क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे देखने को मिल रही है और जो समझ में आ रही है। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि कल का भी मैंने एपिसोड देखा था लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने आपके साथ रिव्यू नहीं किया, पर मुझे लगता है कि अब एपिसोड में जान आ रही है, मतलब अब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो चलिए, आप क्या कहेंगे अविनाश और चाहत की इस लड़ाई पर, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा।